हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मिस नरुका जी ने ये कमेंट किया है कि उनको उनकी न्यूली शादी हुई है, तो फर्स्ट कांग्रेस मैं आपको बोलना चाहूँगी। और जो है मैं आपको ये चूड़ा बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से पहन सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत से अलग अलग चूड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनमें से मैं आपको जो है ढाल उतार चूड़े और कुछ सिंपल चूड़े ढाल उतार में ही बताऊंगी, तो जिनको देखकर आप ये डिसाइड कर सकती हैं कि आपको किस तरह का पहनना चाहिए। मेरी सजेशन में ढाल उतार चूड़ा बेस्ट रहेगा। है कि उनकी जो है न्यू न्यू शादी हुई है, तो उन्हें किस टाइप का चूड़ा जो है पहनना चाहिए। फर्स्टली मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारे जो हैं इन-लॉज की तरफ से, जो हमारा ससुराल साइड होता है, उस तरफ से जो है इस तरह का ढाल उतार चूड़ा। देखिए इस तरह का ये जो होता है, इसे ढाल उतार चूड़ा बोलते हैं। वन बाय वन सारी छोटी जो चूड़ियाँ हैं वो छोटी होती जाती हैं। मेरे पास इनमें से जो है दो चूड़ियाँ कम हैं। सो आपको इस तरह का जो पूरा हाल फिलहाल में ये जो चूड़ियाँ हैं बहुत ही पुरानी हैं, तो ये थोड़ी मोटी हैं दिखने में, बट जो न्यूली फैशन चली है वो इस टाइप की चूड़ियाँ हैं। देखिए इस तरह की काफ़ी बारीक चूड़ियाँ हैं ये। सो ये काफ़ी ट्रेंड में चल रही है हाल फिलहाल, जो है राजपूतों में इस टाइप की चूड़ियाँ हैं, ढाल उतार चूड़ा इसे बोलते हैं। ज़्यादातर जो है इस टाइप का चूड़ा है ससुराल साइड से आता है, जिसे हमें मिनिमम 2 साल तक पहनना ऐसे बोला जाता है कि अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है सुहाग की निशानी से जो है माना जाता है। लेकिन बाय द वे, अगर आप किसी कारण से इस टाइप का जो चूड़ा है काफ़ी हैवी हो जाता है, अगर आप इसमें कुछ और चूड़ियाँ ऐड कर लेती हैं तो किसी कारण से अगर आप इस टाइप का जो चूड़ा है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं पहन पाती हैं, तो आपको 2 नहीं तो 1 साल पहनना होता है। अगर आप वो भी ना कर पाएँ तो 6th मंथ के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इस तरह का जो चूड़ा है 6 महीने के लिए आप इसे पहने। तो आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपको किस टाइप का चूड़ा पहनना है। सो अगर आपको हैवी चूड़ा पहनना है तो वो इस टाइप का होना चाहिए, जैसे कि ये भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल, जो है ये कुंदन का चूड़ा है। देखिए इसमें से काफ़ी कुंदन जो है वो झड़ चुके हैं पानी में वॉश करने से लिए, मतलब जब अपन कुछ काम करते हैं तो ध्यान रहे कि इस टाइप का चूड़ा अगर आप पहने तो पानी का ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि जो इसके जो कुंदन है वो इजीली निकल जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है। तो अगर आपकी न्यूली शादी हुई है और आपको जो है कुंदन में चूड़ा पहनना है, तो इस टाइप का चूड़ा है जो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा हैवी नहीं है ये, एक हाथ के लिए 6 चूड़ीज हैं जो यहाँ पे आए हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आप इसमें कुछ और भी जो चूड़ाज हैं जो ऐड करें ताकि ये थोड़ा हैवी हो जाए, तो अगर आपको चाहिए तो इस टाइप में, जैसे अगर आपको क्रीम कलर का ही और चाहिए, सो क्रीम कलर में चाहिए, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकती हैं। अगर आपको ये थोड़ा छोटा रह रहा है ऊपर की साइड से, तो हम इसको बीच में ऐड कर सकते हैं इस टाइप से। तो अगर आप चाहें तो यहाँ बीच में भी आप कुछ इसी टाइप की जो है चूड़ी ऐड कर सकती हैं। जैसे ये लाख की चूड़ी है, ये थोड़ी छोटी रह रही है, तो मैं इसे नीचे ऐड कर दूँगी। ये वाली लाख की चूड़ी मैं इसके बीच में डाल देती हूँ, ठीक है। और इस टाइप की जो ये छोटी लाख की चूड़ी है वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। और जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है एक और कुंदन की चूड़ी, तो मैं इस टाइप से जो है ये वाली कुंदन की चूड़ी, ये काफ़ी जो है 4 पीसेस में इस टाइप की चूड़ियाँ मिल जाती हैं, जो इजीली आप किसी भी चूड़े के आगे, हर चूड़े के आगे आप इसे जो है यूज़ कर सकती हैं। तो इस टाइप की जो चूड़ी करके आप इसे एक हैवी चूड़ा बना सकती हैं। तो एक हाथ में पहले 6 चूड़ियाँ थी, अब आप यहाँ पे देख सकती हैं कि जो चूड़ियाँ हैं वो बढ़कर 6 से ज़्यादा हो चुकी हैं, मतलब मिनिमम 11 से 12 चूड़ी इस टाइप की जो है आप बना सकती हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप इस टाइप का पहनना चाहती हैं ईजिली, जो आपको हैवी ना लगे, हल्का लगे, आपको कंफर्टेबल फील हो, तो आप इस तरह का कुंदन का चूड़ा पहनना चाहती हैं, तो वो इजीली 6 टाइप की जो 6 चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो इजीली इस टाइप का रहेगा। और अगर आपको हैवी चूड़ा पहनना है तो इस टाइप का चूड़ा आप बना सकती हैं, और दोनों हाथों में आप इसी टाइप का बनाकर रख सकती हैं। तो फर्स्टली जो मैंने आपको बताया वो कुंदन का चूड़ा था। इजीली अगर आप चाहें तो इस तरह का चूड़ा मैच करके बना सकती हैं। आप सारे चूड़े जो हैं इसी टाइप से बना लीजिएगा, अगर आप चाहती हैं कि आपको कुंदन का पहनना है तो। फर्स्ट चूड़ा मैंने जो है आपको बताया ये कुंदन का चूड़ा था। और अब आती है इस चूड़े की बात। ज़्यादातर लोग इस चूड़े को सिंपली पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहनकर दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी जो है ये सिंपली ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप इसे इस तरह से पहने तो। लेकिन क्योंकि जो आपने मेरे को अभी अभी बताया कमेंट में, आपने मेरे को बताया था एक बात कि आप न्यूली वेडिंग है आपकी जो हुई है,
आपको जो है इस टाइप का चूड़ा अगर पहनना है तो ये छोटा तो रहेगा ही, लेकिन इस टाइप के चूड़े ढाल उतार में अगर आपको हाल फिलहाल में पहननी है तो मेरे सजेशन के हिसाब से आपको जो है इसको हैवी करना चाहिए थोड़ा, अगर भारी होगा, अगर ये जैसे अभी फिलहाल ये इतना है तो अगर ये लाउडली मिनिमम ज़्यादा इतना होएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं आपको इसको भी जो है थोड़ा हैवी करके दिखा देती हूँ। जो फर्स्टली जो ये दो चूड़े हैं उनको आप प्लेन ही रहने दें, और बीच में चाहे तो आप इस तरह का जो है एक लॉन्ग बड़ा बैंगल यूज़ कर सकती हैं। आप इसे चाहें तो लास्ट में यूज़ कर सकती हैं। इसे अपन जो है आर्टिफिशियल बंगड़ी बोलते हैं, ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, आर्टिफिशियल बंगड़ी इसको बोलते हैं। अगर आप इसको बैक में लगाएं तो ये तो अच्छा तो लगेगा ही, देखिए इस तरह से। लेकिन हाल फिलहाल राजपूतों में जो है बंगड़ी पहनने का तरीका होता है बीच में, मतलब सारे चूड़ियों के बीच में बंगड़ी डाली जाती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें से कुछ जो है पीसेस टूट चुके हैं, आपको इस तरह की जो है आर्टिफिशियल बंगड़ी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं आपको इस टाइप को जो बंगड़ी है मुझे तो सबसे पहले मुझे हैवी चूड़ा बनाना है, तो मैं हैवी बनाने के लिए इसमें बड़े बैंगल डालने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने लास्ट में जो है मेन जो बड़ा बैंगल है वो डाला है, बीच में मुझे इसके जो है छोटी छोटी चूड़ियाँ डाल लेनी है जो ज़्यादा हैवी भी ना हो और ज़्यादा बड़ी भी ना हो और काफ़ी अच्छी भी लगे। तो मैं एक इस तरह की लाख की चूड़ी डाल देती हूँ, और जो है उसके बीच में और मुझे अगर कुछ डालना हो तो जैसे इस टाइप की लाख की चूड़ी, ये भी काफ़ी अच्छी होती है लाख की चूड़ी। जो अगर आपको लाख की चूड़ियाँ खरीदनी है तो जयपुर इज़ द बेस्ट सिटी, मतलब अगर आप जयपुर में जाते हैं तो लाख की चूड़ी बहुत ही अच्छी अच्छी मिलेंगी। होंगी वो ज़्यादा महंगी होंगी, अफोर्ड करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पे अगर एक चूड़ा भी अगर आप लाख का लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये तक उसके लिए पे करने होते हैं, बट काफ़ी अट्रैक्टिव होता है वो लाख का चूड़ा। इस तरह से जो है आप इसको ऐड करके एक बड़ा चूड़ा बना सकती हैं। और मैं इसमें बंगड़ी डालना भूल गई, अगर आप इस तरह की इसमें बंगड़ी ऐड करें, सॉरी इस तरह की न्यू वेडिंग गर्ल के लिए या जो न्यूली जिनकी शादी हुई होती है फर्स्टली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप की बंगड़ी पहनना, बीच में ऐड करना। अगर आपको बीच में अच्छा नहीं लगता तो आप इसको जो है एंड में भी अटेस्ट कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा ये। मेरे ख्याल से आपको इस टाइप की जो चूड़ी है हाल फिलहाल में आपको हैवी पहनना चाहिए। मैं आपको पहन कर भी दिखा देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो, मुझे चूड़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि ये फर्स्टली पहले सिंपली चाहते हैं तो ये चूड़ा, ठीक है, अगर आपको सिंपली चाहिए तो ये इतना सा होगा, ये ढाल उतार चूड़ा ही है, काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल, मैं आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। और जो है ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, इसे ढाल उतार जो कहते हैं काफ़ी अच्छा है। ढाल उतार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है इसमें ढाल बनता है एक जो छोटे से बड़े से छोटे की तरफ आता है। तो चाहे तो आप ये वाला चूड़ा पहन सकते हैं, और अगर आपको इस टाइप का हैवी चूड़ा अच्छा लगता है इस टाइप का भी आप जो है पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हाल फिलहाल में राजपूतों में ट्रेंड में इसी टाइप का जो चूड़ा है ढाल उतार चूड़ा जिसे कहते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस टाइप का आप मेरे ख्याल से आपको ट्राई जो है करना चाहिए। और भी मेरे पास काफ़ी इस टाइप की जो है चूड़ियाँ हैं जिन्हें आप इनमें ऐड कर सकती हैं और वो काफ़ी अच्छा लगेगा। पहले तो मैं इन सब चूड़ियों को निकाल देती हूँ, और जो है इस वाले चूड़ी का मैं बता चुकी हूँ। इस टाइप का जो चूड़ा आप मार्केट में जाके इस चूड़े के बारे में ज़रूर पूछें, इसे ढाल उतार चूड़ा कहते हैं और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट है मेरे पास ये चूड़ियाँ, ये जो है ढाल उतार चूड़ा मैंने आपको बताया है, वो जो दो चूड़े थे ये हैवी चूड़े थे, अगर आपको हैवी पसंद है तो। अब रह गई सिंपली चूड़े की बात, तो अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, नॉर्मल साइज का चूड़ा चाहिए, फर्स्टली बैक साइड में आप यही चूड़ी यूज़ कर लेंगे, मुझे ये ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रही और नहीं ऐसा कुछ लग रहा है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो इस टाइप की जो ज़्यादा हैवी ना हो, इस टाइप की मीडियम साइज़ में आप इस तरह की, ठीक है। और इसी टाइप में कोई दूसरी चूड़ी जैसे मेरे पास ये है, आप अगर चाहें तो बैक साइड में इस टाइप की चूड़ी लगा सकते हैं, ठीक है। और बीच में आप चाहें तो एक एक सिंपल चूड़ी होती है ना, मैं आपको बताऊँ, जैसे ये हो गई, इसे हम जो है
सिंपल ढाल होता कह सकते हैं, काफी हैवी नहीं होता है, सिंपली कम हैवी होता है। देखिए अगर इसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो उन दो चूड़ों में तो आप ढाल उतार सिंपल पहन सकती थी, उनमें ऐड नहीं करने की ज़रूरत थी, बट ये सिंपल चूड़ा होता है, इसमें आप अगर चूड़ियाँ ऐड करेंगी तो ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये उन दोनों से जो है कम हैवी हैं, तो ये आपको सूट भी करेगा और कम्फर्टेबल भी रहेगा, इसमें इतना हैवी वाली बात नहीं है। सो मेरे ख्याल से आपको जो है इस टाइप का चूड़ा पहन लेना चाहिए। मैं आपको एक बार जो है सारे चूड़े इस टाइप से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको जो ढाल उतार चूड़े का जो सॉल्यूशन है वो मैं दे सकूँ। अब मेरे पास रह जाते हैं बिल्कुल सिंपली, अगर आपको ढाल उतारे पहनना है लेकिन बिल्कुल हैवी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपली चूड़ा चाहिए, तो जैसे इस टाइप में ये सिर्फ दो कंगन है, आप चाहें तो इसमें बीच में और भी ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 4 से 5 कड़े आप इस टाइप के बड़े बड़े ले लें और जो है उन्हें आप इजीली ये ढाल उतार, ये चूड़ा भी ढाल उतारी है इस टाइप से, अगर आप चाहें तो इनको इजीली इस तरह से पहन सकते हैं। ये बड़े कड़े होते हैं तो इनमें ज़्यादा चूड़ियाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली इतना सा आप पहन सकते हैं। तो इस टाइप से, और चाहे तो ये वाला चूड़ा भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें अगर आपको कंगन चाहिए तो इस टाइप के कंगन, हाल फिलहाल इनकी फैशन इतनी ट्रेंड में नहीं रही है, ये पहले काफ़ी फैशन में चल रहे थे, हाल फिलहाल इस टाइप के कड़े जो डिज़ाइन वाले होते हैं क्रीम कलर के, वो इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं रहे हैं। सो इस टाइप में चाहे तो आप ग्रीन या येलो, इस टाइप की बहुत सी मेरे पास ये जो चूड़े हैं, आप इनमें से कोई भी एक कलर मैच कर ले, जैसे आपकी ड्रेस हो, जिस हिसाब से आपकी पोशाक हो, उसमें से आप इनमें से कोई भी एक चूड़ी इसके साथ में ऐड कर सकती हैं तो वो अच्छी लगेंगी। तो मैंने आपको इतना तो बताया है, और इस टाइप की जो मेरे पास और भी चूड़ियाँ हैं जिन्हें आप सिंगल पहन सकती हैं, मतलब अगर आप उन्हें ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती हैं, जैसे मैंने यही बताया, तो आप इसके साथ में ये ऐड कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा, सिंपल का सिंपल है और आपके लिए कंफर्टेबल भी है। सो इस टाइप का मेरे पास ये चूड़ा भी है, और ये जो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ ये भी आप सिंपली यूज़ कर सकती हैं। बाकी के ढाल उतार में अगर आप देखना चाहें तो ये है, अगर आपके हाथ छोटे हैं बड़ी साइज में है, सो इस टाइप का जो चूड़ा है काफ़ी अच्छा लगेगा और पहनना, ये देखिए ढाल उतार है, इसमें मैंने एक कुंदन डाला है, एक डायमंड चूड़ा डाला है, एक बिल्कुल प्लेन और एक जो है मेटल की चूड़ी डाली है, जो सब इसमें मैंने सारा यूज़ में डाल दिया है, ये भी एक ढाल उतार चूड़ा है। मतलब कि मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब रह जाता है कि अगर आप न्यूली वेडिंग हैं, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको हाल फिलहाल में ढाल उतार चूड़ा ही पहनना चाहिए, जो काफ़ी अच्छा लगता है एक न्यू दुल्हन के लिए, काफ़ी जो है अच्छा लगता है उस टाइप में। सो इस टाइप की जो चूड़ियाँ हैं मैंने आपको ये सारी दिखाई है, मेरे पास अभी हाल फिलहाल में जो है लाल चूड़ा जो है ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मुझे फेवरेट ये है, मेरी फेवरेट जो है इस टाइप की झूमर जो है ये राखी लेडीज़ को बांधी जाती है, और इसे आप चाहे तो दीपावली के टाइम भी लगाकर इस टाइप का चूड़ा बनाकर पहन सकती है, इसे जो है आर्टिफिशियल बबली कहते हैं, जो राजपूतों में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, ये आर्टिफिशियल है। मेरे पास ऐसी जो है गोल्ड की भी है, अगर आप चाहें कि आपको आर्टिफिशियल नहीं पहनी है तो गोल्ड की भी पहन सकते हैं, रेगुलर यूज़ के लिए आर्टिफिशियल यूज़ करें, ठीक है। सो इस टाइप में मैं आपको जो है सारी चूड़ियाँ बता चुकी हूँ, तो मेरी इसमें आपको अगर कोई आपको मेरी सजेशन चाहिए कि आपको किस टाइप का चूड़ा पहनना चाहिए, तो मेरी पसंद मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ट्रिक दिस वन, अगर आपको ढाल उतार चूड़े में पहनना है तो इस टाइप का चूड़ा पहने, और न्यू आपकी शादी हुई है तो उस हिसाब से मैं आपको ये वाला चूड़ा है जो सजेस्ट करूंगी, आप ये वाला चूड़ा जरूर पहने, और इसको इस तरह से पहने जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इसके अंदर कुछ और चूड़ियाँ ऐड करनी होगी जिससे ये सिंपल नहीं लगेगा। सेकेंडली अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो डायमंड चूड़ास होते हैं वो राजपूतों में कम चलते हैं, जी हाँ डायमंड चूड़ास होते हैं वो राजपूतों में नहीं चलते हैं ज़्यादातर, राजपूतों में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कुंदन चूड़ा और जो है नाक का चूड़ा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। सो आप चाहें तो इस तरह का कुंदन चूड़ा भी पहन सकते हैं। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिली हो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें, और मैं और भी वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, सो मुझे कमेंट करें करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।